सो हे गाइस यार, वेलकम बैक टू अचीवमेंट वीडियो। एंड गाइस यार, फाइनली कंप्लीट हो चुका है तो मेरे भाई का अचीवमेंट। तो यार बाकी सब बात बाद में। एंड गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ क्रॉपिंग नहीं करी इस बार। मैं आपको मैं अपना पहले करियर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लाइन वाली से देखोगे तो विनर ही विनर है, और 18 किल्स है और एक ही लॉस्ट है सिर्फ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पर सारे विनर है, 18 किल्स है, यानी कि सारे मैंने पेन से मारे हैं, लास्ट बंदा भी। तो अचीवमेंट दिखा देता हूँ कि मेरे कितने विन्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर हो चुके हैं 49। एंड मुझे करना है लास्ट, तो मैं आपके सामने लाइव प्रूफ खेल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ सर्वर चूज़ कर रखा है नॉर्थ अमेरिका, एंड मैच बाय लैंग्वेज डिसेबल है, तो आप भी सिंपली यही ट्रिक यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट हो चुका है हमारा गेम। एंड अब देखो यार, मैं कैसे कैसे खेलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे भाई ने कितनी दूर से मारा। एंड यहाँ पर देखो यार, थोड़ा बहुत तो साउंड का मैटर भी है। तो आप चाहो तो अगर आप कमेंट करोगे तो तुम्हारा भाई ईयरफोन्स पे भी एक रिव्यू वीडियो डाल देगा ईयरफोन्स की, जो मैंने मंगाई है ऑर्डर करके। MRP समझ लो 550 रुपये करीब की आपको पड़ेगी। तो अगर आप चाहो तो मैं वीडियो बना भी सकता हूँ, चाहो तो। सो यहाँ पर भाई ये वेक्टर वाला बंदा परेशान करता है बहुत ज़्यादा। अब देखते जाओ कैसे कैसे पेडियाँ बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, आप सोच रहे हो भाई इतनी हाई पिंग में खेल रहा है कैसे। तो भाई पता नहीं यार, एक नोबड़े आते हैं नॉर्थ अमेरिका सर्वर में, तो मुझे नोबड़े ही लेके जाता। तो मैं इस बारे नॉर्थ अमेरिका खेल रहा था। एंड भाई मानोगे नहीं, तुम्हारे भाई ने 50 के 50 नॉर्थ अमेरिका में ही खेले हैं। सो अब तुम बाकी देख सकते हो, तुम्हारे सामने ही खेल रहा हूँ। एंड भाई बंदे कोना पकड़ पकड़ के बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे। एक तो तुम जब खेलोगे ना, तुम्हें हंसी आएगी कि देखो देखो भाई साहब क्या चल रहे हैं, स्पाइडरमैन बन गए। तो हाँ, एक तो तुम्हारा ये फ़ायदा है कि तुम्हारे में मतलब कि अगर जो दूसरा बंदा होता है एनिमी, उसके में तुम इतनी ज़्यादा ब्लिंक करोगे, यानी कि फ्लैक्चुएट होगी उसके उसमें तुम्हारा प्लेयर, कि भाई वो तुम्हारे पे एम जल्दी नहीं कर पाएगा। या तो तुम्हें वो पूरा मार देगा, या वो तुम्हें डैमेज देगा, मतलब कि बची जाओगे तुम। तो यहाँ देखो, जैसे कि इन्होंने मुझे मारा, एंड ये आगे चला गया मुझे मारने के लिए, बट मैं तो इसके आगे था, तो इसमें मुझे एमओ इसकी लगी नहीं, यानी कि। तो ये देखो भाई कोनों में बैठ जाते हैं कि। तो यहाँ देखो मेरा पिंग यहाँ से गया, तो मैंने उसे M24 का शॉट मार दिया। अब बारी है शॉटगन की। तो यहाँ थोड़ा नेट चेक कर रहा था मैं अपना। सो शॉटगन से मैं मर जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ड्रीम कर दी वीडियो थोड़ी सी। एंड दोबारा देखो शॉटगन है मेरे हाथ में, बूम। तो इसे मैंने हेड दिया। एंड शॉटगन वगैरह तो देखो, यहाँ शॉटगन DBS सब मार देते हो, बट लास्ट में भाई सबसे मेन चीज़ होती है एक तो यार पिस्टल R1895। इतनी टट्टी पिस्टल भाई मानता हूँ मैं इस गेम के अंदर, भाई कट कट ऐसे चलेगी इतनी टट्टी, भाई सही में बहुत बुरी लगती है मेरे को। सो वैसे तो इस गेम में बहुत ज़्यादा मुझे मिली नहीं, P180 मिली, तो ज़्यादा बेस्ट थी P92, यानी कि। तो यहाँ पर मेरे पास है P180 जो चर फर करके मार दी बंदा। तो यहाँ मार दिया। अब ये है स्वेड ऑफ, इसमें भी अगर तुम दो बंदों को जल्दी एशिया में मारोगे तो भाई वो बंदा मरेगा ही नहीं। अगर तुम इस सर्वर में मारोगे ना, तो एक बार को मर जाएगा बंदा, जैसे कि देखो मैं मर गया, लेकिन समझ लिया करो। अभी देखो तुम्हारा भाई कैसे मारेगा। देखो भाई बंदा कोने में आके खड़ा हो गया, यहाँ मुझे समझ नहीं आया मैं उछला क्यों, मैंने जंप करा क्यों। मैं उसे आराम से मार सकता था, लेकिन यहाँ चलो मार दे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बारी है इस गन की, तो देखो अब इसमें देखो गोलियाँ कैसे लगेगी। देख रहा कितनी जल्दी मैंने पिस्टल से वो P190 पता नहीं कौन सी गन थी, ऑटो नहीं चलती, सिंगल चलती है, तब भी उसमें ऐसे गोलियाँ भाई मतलब कि रजिस्टर हो रही थी वो बंदे में, जैसे कि मैं ओम के शॉट्स मार रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बस एक पैन से मारना है, एंड इस पैन से भी मैं बहुत इजीली मार दूंगा, आप खुद देख लेना। कोई ना कोई प्लेयर मुझे खड़ा हुआ मिल जाएगा, या फिर कोई कोना पकड़े हुए। तो यहाँ मैं जैसे उनके उसमें मार जाता हूँ, तो यहाँ पर एक भाई देखो पता नहीं कहते कर दीवार नाप रहा है या फिर कुछ और, समझ नहीं आया। तो एक मेरा बंदा पीछा करते हुए आ रहा था, इसे देखो आ रहा था ये बंदा मुझे मारने के लिए, बट नहीं मार पाया। एंड मेरा हो गया है विनर, विनर तो नहीं विक्टरी हो चुकी है यहाँ पर। सो यार ऐसे ही खेलो, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में खेलो। एंड आप ये देख सकते हो कि उसमें इतने बड़े नोबड़े आते हैं लाइक मी। सो यहाँ पर मुझे एक क्रेडिट भी मिल चुकी है, 20+ अचीवमेंट पॉइंट्स। एंड गाइज, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा ये अचीवमेंट 5 ओवर्स में कंप्लीट हुआ है, पूरा अचीवमेंट 50 चिकन डिनर मैंने 5 घंटे में लिए हैं, एंड ब्रेक के साथ, यानी कि यूँ नहीं भाई 5 घंटे लगातार खेला, ऐसा नहीं 2 घंटे खेला फिर एक ब्रेक ले लिया, दो तीन मतलब कि 20-30 मिनट का, एंड फिर खेला। तो आप सब भी यार ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हो ये अचीवमेंट। तो इसके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।